पुलवामा हमले को लेकर सेम पित्रोदा के बयान पर सियासी घमासान मच गया है। पीएम मोदी ने पित्रोदा और कांग्रेस पार्टी दोनों पर सेना का अपमान करने का आरोप लगाया है। इस खास रिपोर्ट को देखिए। Attacks happen all the time. Attack happened during what was this Mumbai Taj Hotel and Oberoi Hotel. Okay, I mean we could have then reacted and just send our planes, but that's not the right approach. लोकसभा चुनाव में इस बार कांग्रेस वर्सेस बीजेपी की जंग में सबसे बड़ा मुद्दा पुलवामा हमला है। इसी को लेकर दोनों पार्टियां एक दूसरे पर एक के बाद एक वार कर रहे हैं और इसी बीच सैम पित्रोदा के इस बयान ने आग में घी डालने का काम किया है। एक बार फिर पुलवामा पर घमासान शुरू हो गया है। Attacks happen all the time. Attack happened during what was this Mumbai Taj Hotel and Oberoi Hotel. Okay, I mean we could have then reacted and just send our planes, but that's not the right approach, according to me. That's not how you deal with world. Okay. Because 8 people come and do something, you don't jump on the entire nation. It doesn't work that way. Okay? It's naive to assume that just because some people came here and attacked, every citizen of that nation is to be blamed. I don't believe that way. बालाकोट एयर स्ट्राइक पर सवाल उठाने के लिए पीएम मोदी ने सैम पित्रोदा और गांधी परिवार पर जोरदार हमला बोला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि गांधी परिवार के सबसे बड़े विश्वास पात्र सलाहकार ने भारतीय सेना को गलत ठहराने की कोशिश की है, जो बेहद शर्मनाक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विपक्ष बार बार हमारी सेना का अपमान करता है। पीएम ने ट्वीट किया, मैं अपने देश के नागरिकों से अपील करता हूं कि विपक्षी नेताओं के बयान पर आप उनसे सवाल पूछें। उन्हें बताइए कि विपक्ष की बयानबाजियों के लिए 130 करोड़ भारतीय ना तो उन्हें भूलेंगे और ना ही उन्हें माफ करेंगे। भारत अपनी सेना के साथ मजबूती से खड़ा है। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस आतंक के खिलाफ पुख्ता कदम उठाना नहीं चाहती थी। कांग्रेस के दरबारियों ने देश को ये बात एक बार फिर से बता दी है। इससे पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव ने भी पुलवामा हमले पर सरकार पर निशाना साधा। रामगोपाल यादव ने पुलवामा हमले को साजिश बताते हुए मौजूदा सरकार को घेरा और कहा कि वोट के लिए जवानों को मार दिया गया। पहली बार ऐसा हुआ जब कोई चेकिंग नहीं थी जम्मू और श्रीनगर के बीच में। पहली बार ऐसा हुआ जब डायरेक्ट हमारे सीआरपीएफ के जवानों को बसों में सिंपल बसों में भेज दिया गया। बख्तरगंज गाड़ी जहां मिलती थी वहां रोकी नहीं गई, सीधी चली गई और लोग मारे गए। तो ये साजिश थी, ये अभी मैं नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन जब सरकार बदलेगी, जब इसकी जांच होगी तो आप देखना कि बड़े बड़े लोग इसमें फंसेंगे। ये हमारे नौजवानों की जाने दिलवा दी और वोट पाने के लिए। रामगोपाल यादव के बयान पर भी पीएम ने ट्वीट कर पलटवार किया। पीएम मोदी ने कहा कि विपक्ष सेना पर सवाल उठाने वालों और आतंक को वाजिब ठहराने वालों का सहज निवास बन गया है। पीएम ने कहा कि रामगोपाल यादव का बयान उन सभी लोगों का अपमान है जो कश्मीर की रक्षा करते हुए शहीद हो गए हैं। ये हमारे शहीदों के परिवारों को दुखी करता है। पुलवामा हमले के बाद से ही सरकार जहां बार बार बालाकोट स्ट्राइक को लेकर अपनी पीठ थपथपा रही है, तो वहीं कांग्रेस समेत विपक्षी पार्टियां बार बार एयर स्ट्राइक के सबूत मांगकर सरकार के दावे पर सवाल खड़े कर रहे हैं। प्रदीप सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। पित्रोदा के बयान पर केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली ने पलटवार किया है। जेटली ने पित्रोदा के बयान को बताया शर्मनाक। क्या कुछ कहा अरुण जेटली ने, आपको सुनाते हैं। ये अपने आप में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बयान है। दुर्भाग्यपूर्ण इसलिए है कि जो लोग इस देश को समझते नहीं हैं, इस देश की सुरक्षा को नहीं समझते, इस देश के सेंटिमेंट और जज्बात को नहीं समझते, केवल वही इस प्रकार का बयान दे सकते हैं। दुनिया का एक देश ऐसा नहीं है कि जिसने इसकी निंदा की हो। हमारे दोनों ऑपरेशन सफल हुए, टेररिस्टों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ, हमारा एक भी सिक्योरिटी फोर्सेस का पर्सनल
आर्मी का सर्जिकल स्ट्राइक में या एयरफोर्स का एयर स्ट्राइक में सैक्रिफाइस नहीं हुआ? हमने सिर्फ टेररिज्म पे अटैक फोकस किया और सफल होकर वापस आए। अब आज का ये बयान श्री सैम पित्रोदा का ये दिखलाता है कि उनका मानना यह है कि यह गलत किया हमने। ये तो दुनिया के किसी देश ने नहीं कहा, और किसी ने अगर कहा ये तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक नेशंस ने भी नहीं कहा, कंट्रीज ने नहीं कहा, केवल ये पाकिस्तान ने कहा।